Nitasha Gupta, IVF Specialist, Indra IVF, Delhi. Menopause, ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें एक उम्र के बाद औरत की मासिक धर्म बंद हो जाती है. IVF या टेस्ट ट्यूब बेबी ऐसी औरतों के लिए एक वरदान है. हमने काफी सुना होगा कि उम्र दराज महिलाएं नानी या दादी की उम्र की माँ बन गई हैं, जो कि टेस्ट ट्यूब के होते हुए संभव रहा है. औरतों और पुरुषों में एक अहम फर्क भगवान ने बनाया है. पुरुषों के जो वीर्य में शुक्राणु होते हैं वो बनते हैं, अंडकोश में तैयार होते हैं, छूटते हैं और फिर बाहर आ जाते हैं. ये जो प्रक्रिया है शुक्राणु के बनने की, ये किसी भी पुरुष के 65 से 70 साल तक की उम्र के लिए चलती रहती है. बट इसके विपरीत औरतों में जब भी कोई बच्ची पैदा होती है तो एक सीमित संख्या के अंडे हर बच्ची को निर्धारित हो जाते हैं. मैं आपको एक उदाहरण देके समझाऊंगी. जैसे मैंने किसी बैंक में खाता खोला है और उसमें कुछ राशि माने 50,000 रुपये जमा कर दिए हैं. अगर मैं अब ये राशि हर महीने थोड़ी थोड़ी करके निकालती जाऊंगी तो एक ऐसी समय, एक ऐसा टाइम आएगा जब मेरे पास वो जमा खाते में जो पैसे हैं वो खत्म हो जाएंगे. उसी तरीके से जब किसी बच्ची को, जब किसी भी महिला के अंडे जो निर्धारित होते हैं उनको जन्म पे, वो मासिक धर्म शुरू होने के बाद हर महीने घटते जाते हैं. ये अंडों की घटावट 30 से 32 साल की उम्र में तेजी से होने लग जाती है. 35 साल के 35 वर्ष की उम्र के बाद इन अंडों की गुणवत्ता में तो कमी आती है पर इनकी क्वालिटी में भी फर्क आ जाता है. 40 से 42 साल की उम्र के बाद ये अंडे इतने घट जाते हैं कि 2-3 वर्षों में ही मासिक धर्म रुक जाता है क्योंकि अंडे समाप्त हो जाते हैं. ऐसी औरतों की जो बच्चेदानी होती है वो भी बिल्कुल सूखी हो जाती है क्योंकि हार्मोन का अभाव हो जाता है उनमें, है ना. तो इसी स्थिति को हम मेनोपॉज कहते हैं. आजकल क्योंकि इतना लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है, एनवायरनमेंट में इतना ज्यादा पोल्यूटेंट्स हैं, ये जो है, या फिर जेनेटिकली ही कुछ ऐसी महिलाएं भी हैं जिनमें ये जो अंडे होते हैं वे जन्म पे ही कम मिलते हैं. किसी महिला को 2 मिलियन अंडे मिलते हैं, किसी को 1 मिलियन, किसी को 50,000 भी मिल सकते हैं, है ना. ऐसी महिलाएं हमारे क्लिनिक में जब मुझसे आके मिलती हैं तो 32, 33, 34 साल वर्ष की होती हैं और कहती हैं कि मैडम बच्चा नहीं हो पा रहा है. जब मैं इनका अंडों की संख्या की गिनती यानी एंटी फॉलिकल काउंट अल्ट्रासाउंड के माध्यम से करती हूँ या एक EMH टेस्ट होता है जिसको एंटी मलेरियन हार्मोन टेस्ट कहते हैं, इन दोनों टेस्टों की हेल्प से हमें पता चल जाता है कि किस औरत के अंडे अंडाशय में कितनी कैपेसिटी है अंडे बनने की. मेरे पास कई क्लिनिक में ऐसी महिलाएं आती हैं जिनकी उम्र 34 या 35 वर्ष होती है, अंडों का अभाव होता है जो कि मुझे एंट्रल फॉलिकल काउंट या अल्ट्रासाउंड का जो टेस्ट होता है उससे पता चल जाता है, या एक ब्लड का टेस्ट होता है AMH एंटी मुलेरियन हार्मोन टेस्ट जिससे हमें पता चल जाता है कि किसी महिला के अंडाशय में कितनी कैपेसिटी है अंडे बनने की. एक बार हमें वो पता चल जाता है तो जो भी महिला होती है हमें उनको ये बताने में आसान रहता है कि क्या तरीका है जिससे हम उनको जल्दी माँ बना सकते हैं. इतनी छोटी उम्र में, 34 से 35 वर्ष की उम्र में किसी भी महिला को ये समझाना कि आप में अंडों का अभाव है मुश्किल तो होता है, बट एक बार अगर ये समझ में आ जाए तो टेस्ट ट्यूब की मदद से हम ऐसी महिलाओं को भी प्रेगनेंसी दे सकती हैं. कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जो 40 वर्ष से कम होती हैं, अंडे बिल्कुल खत्म हो गए होते हैं, उनकी बच्चेदानियां भी सुकड़ गई होती हैं. जैसे मैंने पहले बताया कि हार्मोन का अभाव रहता है तो बच्चेदानी भी छोटी हो जाती है, तो ऐसी महिलाओं को भी हम हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी के द्वारा 2 से 3 महीने के उपरांत महीना ला सकते हैं, बच्चेदानी को स्वस्थ कर सकते हैं. और ऐसी महिलाओं के क्योंकि अंडे खत्म हो गए हैं, डोनर अंडे की मदद से ऐसी महिलाओं को भी टेस्ट ट्यूब के द्वारा उनके ही पति के शुक्राणु की मदद से हम माँ बना सकते हैं. धन्यवाद.